हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर एसएसएन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास कूल पैड का कूल 3, जिसमें एफआरपी की प्रॉब्लम है। मैंने इसमें सारे जितने भी ट्रिक्स हैं वो इस्तेमाल करके देख लिए हैं, लेकिन किसी ट्रिक से चालू नहीं हुआ। पर फाइनली हमने एक नई ट्रिक के द्वारा इसको चालू किया। तो अब वो सारी ट्रिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और आपको जिस भी ट्रिक से काम कर जाए आप उस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ट्रिक दिखा के आपको चालू करके दिखा दिया फिर आप बोलोगे कि हमारा फ़ोन तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। तो आपके लिए बारी बारी से सभी ट्रिकों का इस्तेमाल करके दिखाया है इसमें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप अपने फ़ोन को 100% गारंटी के साथ अपने फ़ोन को चालू कर लोगे। जो एफआरपी की प्रॉब्लम है वो आपके सही हो जाएगी 100%। तो हमने अपने इसको सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेना और एक पुरानी सिम भी इस फोन में डाल लेनी है। सिम में नेट हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सिम चालू होनी चाहिए। तो हमने वाईफाई से कनेक्ट करके देखा तो ये दिखा रहा है एफआरपी जीमेल आईडी मांग रहा है पुराना वाला। सबसे हम टेलपैक के माध्यम से स्टार्ट करके देखते हैं। हमने टेलपैक को स्टार्ट कर लिया है तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। और ये टेलपैक के माध्यम से हम करके देख रहे हैं। ऊपर स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, लेकिन ये यहाँ से डेवलपर सेटिंग के आगे दिखा नहीं रहा है। इसमें एक आता है शेयर हेल्प एंड शेयर करके, ऐसे करके ऑप्शन आता है और वो खुल जाता है तो टेलपैक से हो जाता है, लेकिन वो हमारा ऑन नहीं हुआ। उसके माध्यम से आपने कई सारी वीडियो देखे होंगे, तो अगर आप यहाँ तक आए वीडियो देखने के लिए जिसमें दिखाते हैं कीबोर्ड के अंदर से जाके सेटिंग में जब पहुँचते हैं वहाँ से जाकर निकल के आ जाता है, लेकिन हम 3 डॉट ही नहीं आ रहे हैं। हमने ओपन करके देखा कीबोर्ड वाला सिस्टम, ये हमने ओपन कर लिया तो वहाँ पर कोने पर 3 डॉट ही नहीं आ रहे हैं हमारे इसमें फ़ोन में। तो ये बहुत से फ़ोनों में प्रॉब्लम आ रही है, 3 डॉट नहीं आ रहे हैं। अब आपके पास 3 डॉट नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? फिर तो आपके पास कोई समाधान है ही नहीं। तो हमने इसका एक बार फाइनली समाधान निकाल लिया है। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आप 100% फ़ोन को कर लेंगे। एफआरपी का मतलब ये होता है आप किसी भी तरह से अपने किसी भी ब्राउजर में पहुँच जाएँ। अगर किसी भी ब्राउजर में आपके फ़ोन में खुल जाता है तो आप ये मानिए 99% आपके फ़ोन का एफआरपी सॉल्व हो गया। तो चलिए हम इमरजेंसी के माध्यम से करते हैं। इमरजेंसी में जाने के बाद कॉन्टैक्ट देखना है, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना। आप इसमें कैसा नंबर एडिट करके रख लीजिए जिस पर कोई मैसेज वगैरह ना आ सके। हमने मैसेज खोल लिया, मैसेज में आप टाइप करेंगे youtube.com। आप अगर समझ में नहीं आ रहा वॉइस के माध्यम से तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। youtube.com टाइप कर दिया और हम इसे सेंड कर देंगे। ये सबसे सरल तरीका है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये यूट्यूब खुल करके आ गया हमारा। इसके बाद YouTube पर क्लिक करते ही हमारा YouTube खुल जाएगा और YouTube खुल गया तो ये मानो हमारा ब्राउज़र भी ओपन हो गया। तो सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे YouTube की में, उसके बाद अबाउट में, उसके बाद जाएंगे YouTube टर्म्स एंड सर्विस। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र खुल के आ गया है। ये मानिए अगर हमारा क्रोम ब्राउज़र खुल गया तो हमारा फ़ोन 99% एफआरपी जिस प्रॉब्लम में वो सॉल्व हो गया। हालांकि टाइम तो लगता है, लेकिन मेन जो टारगेट होता है हमारा ब्राउज़र खुलना होता है एफआरपी लॉकेड फ़ोन में। अब किस तरह से ब्राउज़र खुलता है वो फ़ोन के ऊपर डिपेंड और आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन में ब्राउज़र खोलते हो। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे एपेक्स लॉन्चर, क्योंकि एपेक्स लॉन्चर काफ़ी ज़रूरी है। या तो बिना एपेक्स लॉन्चर का इंस्टॉल हो जाएगा, पहले बिना एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करके इसको देखेंगे चालू करके। तो सबसे पहले एपेक्स लॉन्चर हालांकि इंस्टॉल डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें इंस्टॉल बाद में करेंगे। उसके बाद करने हैं इसमें गूगल अकाउंट मैनेजर 9 वर्जन है इसका, तो 9 कर लेंगे। इसमें 8 and 9 GM करके होता है, वो भी आप कर लेना वो भी कम पड़ जाएगा। तो हमने जो ये पेज खोला है उसी पे हमें सारे के सारे ऐप मिल जाएंगे। एक ऐप एफआरपी वाईपास APK होगा, वो भी डाउनलोड करना है। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं तब तक इसी वेबसाइट से। इस फ़ोन में एक बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। मैंने 4-5 बार करने के बाद ये चालू हुआ, इसकी स्क्रीन दिक्कत कर रही है, साली अपने आप हिलने लग जाती है। सॉरी फॉर अभी गलत वर्ड हो चुकी है उसके लिए सॉरी। इसकी स्क्रीन अपने आप हिलने लग जाती है। तो ये ऐप हमारा एफआरपी बाईपास का APK आएगा, इसी में सारे के सारे APK मिल जाएंगे इस पेज पे हमें। 8.9 GM करके जो भी है वो मिल जाएंगे, 8.9 GM और एफआरपी बाईपास वाले APK ये मिल गया हमें। एंड्रॉयड 8.9 GM करके 8 और 9 GM, ये सबसे पहले इसी को डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये मिल गया हमें,
ये इस प्रकार से प्रॉब्लम करती है इसकी स्क्रीन। अब इसमें देख लो क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद देख देख के ये किया हुआ। तो वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, कम से कम 4-5 बार करने के बाद मैंने वो भी ट्रिक इस्तेमाल करी। मैं तो आपके लिए दोबारा से करके ये दिखाया है वीडियो, बाकी मैं करता पहले ही लेता। मैंने कई सारी ट्रिक इस्तेमाल की है इसमें, किसी भी ट्रिक से ना हुआ, तब जाके फाइनली एक ट्रिक ये काम करिए। ये भी काफ़ी मशक्कत के बाद हुई थी, हालांकि मैं आपको नहीं मशक्कत के बाद मतलब पहली बार में काम कर गई थी लेकिन पता नहीं था ना इस ट्रिक के बारे में। फिर देखा मैंने कहाँ कहीं से तो ब्राउज़र ओपन हो जाए। स्टार्ट के बाद चालू होने तक का वेट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और नए आ गए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको कुछ भी अच्छे लगे। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके नॉलेज से भरपूर वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, अभी आप वो भी देख सकते हैं। आपको कोई और फ़ोन वो रिपेयर करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये फ़ोन हमारा चेकिंग फॉर इंडिया सेलेक्ट कर देना है हमें। ये हमारा इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ा देना है इसको भी नेक्स्ट को आगे बढ़ा देना है, प्राइवेसी पॉलिसी को भी आगे बढ़ा देना है, और हमारा फ़ोन फाइनली हो गया चालू। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया आपने वीडियो तो, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं कह सकता हूँ आपसे लाइक करने के लिए, हालांकि मैं किसी वीडियो में बोलता नहीं हूँ क्योंकि इस वीडियो में मेहनत की यार मैंने काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
और आपको कोई और भी सवाल है तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करने की 100% कोशिश करेंगे। हम दोबारा से एक बार फिर से फ़ोन को चालू करके देखते हैं, दोबारा से तो गड़बड़ नहीं कर रहा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने स्किप करके दिखा दिया होगा, तो इसलिए हम आपको बिना स्किप करके भी अपने फ़ोन को दोबारा से चालू करके दिखा देते हैं। क्या मैटर है इसका, होता है या नहीं होता, कुछ मांगता है या नहीं मांगता। ये हमारा फ़ोन हो गया ऑफ, ऑफ हो चुका है हमारा फ़ोन। ऑफ होने के बाद ये ऑन हो गया हमारा फ़ोन, और लो लो जी हमारा फ़ोन हो गया चालू। वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जय हिंद जय भारत।